गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर चैनल फॉर फार्मेसी एंड डी फार्मा स्टूडेंट्स इजी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था वाट आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इट्स डेफिनेशन इट्स कैटेगरीज क्लासिफिकेशन एंड इट्स मैकेज़म ऑफ द एक्शन वो किस तरह से काम करता है किस मैकानिज़म के थ्रू जो है बैक्टीरियल एक्शन को रिड्यूस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करता है और बैक्टीरिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ठीक है तो ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की एक गुड एंटी बैक्टीरियल एजेंट की या एंटी माइक्रोबियल एजेंट की कहें तो क्या अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसको एक एक हाई क्वालिटी स्ट्रांग पोटेंट एंटी एजेंट बनाता है ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे सिलेबस में अ, मेंशन किए हुए हैं जो कि एंटी एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है तो वो है हमारा सबसे इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले पढ़ना है पोटेशियम पर मैगनेट के बारे में किसके बारे में पोटेशियम पर मैगनेट के बारे में पोटेशियम पर मैगनेट का जो साइनोनीम है या अदर नेम जिसको आप बोलते हो उसको हम बोलते हैं सब फर्स्ट कौंडीज क्रिस्टल सेकेंड पर मैगनेट और पोटैश थर्ड हाइपर मैंगन ठीक है तो अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से हम डिस्कस करें तो ऐसे भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकता है राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ द कॉन्डीज क्रिस्टल राइट अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोट पर मैगनेट ऑफ पोटैश या कॉन्डीज क्रिस्टल या हाइपर मैनगन तो इसका जो सैनोनियम हुआ कॉन्डीज क्रिस्टल है ये ध्यान रखिएगा केमिकल फार्मूला है के एम एन ओ फोर ठीक मोलिकुलर वेट वन फिफ्टी एट पॉइंट जीरो थ्री फोर ग्राम पमोल स्ट्रक्चर आपके सामने है इस स्क्रीन पे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसका जो अपीरेंस है फिजिकल अपीरेंस है कैसे मतलब देखने में लगता है होता है ये वो पर्पलिश ब्रोंज ग्रे नीडल्स होते हैं ऑर्डर Order, इसका ऑर्डरलेस है डेंसिटी टू पॉइंट सेवन जीरो थ्री ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मेल्टिंग पॉइंट इज टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस सोलबिलिटी फ्रीली सोलबल इन द वाटर एंड अल्कोहल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव नाइन टेस्ट इज बीटर विद मटलिक टेस्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसमें कि सबसे पहला मेथड है हमारा कि जो मै मैंगनीज़ डाईऑक्साइड है एम्यूनिटू है उसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्ट कराते हैं ट्रीट करते हैं रिएक्ट करते हैं और एयर के प्रजेंस में हीट करते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंगनीज डाईऑक्साइड है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया और ऑक्सीजन लिया यानी एयर ठीक है उसको हीट हमने किया तो हमें पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा ये जो पोटेशियम मैंगनेट है ये फर्दर जो वाटर जो रिलीज़ हो रहा है इस या वाटर के साथ इंटरेक्ट कराएंगे ट्रीट करेंगे इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें पोटेशियम पर मैगनेट मिलेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा तो मतलब है कि जैसे हमारा एम एन ओ टू था के ओ एच था और ओ टू था ये सब मिलके के को तु, 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 के टू एम एन ओ फोर प्लस एच टू ओ मिला नंबर ऑफ बैलेंसी आप उससे बैलेंस कर सकते हैं के टू एम एन ओ फोर प्लस जो हमारा के टू एम एन ओ फोर था पोटेशियम मैंगनेट उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमें पोटेशियम पर मैंगनेट मिल गया के एम एन ओ फोर प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच ठीक है प्लस एच टू ओ नेक्स्ट मेथड में हमें क्या है कि पोटेशियम मैंगनेट को जो है हम क्लोरीन से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्लोरीन के साथ भी इसका हम ट्रीटमेंट रिएक्शन करा के हम पोटेशियम पर बना सकते हैं तो पोटेशियम मैंगनेट प्लस क्लोरीन ऑक्सीडेशन क्रिया होगी ये और क्या बनेगा पोटेशियम पर प्लस पोटेशियम क्लोराइड ठीक है ना तो, ये हमारी सेकेंड मेथड होगी थर्ड मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन है के टू एमोनोफोर है इस पर हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे और जब हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमारे को के एमनोफोर प्लस टू केसीड मिलेगा जो कि ऊपर है नेक्स्ट मेथड में हमारे को क्या है कि हम जो है पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे यानी ब्रेकडाउन या डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो हम जब पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन से करंट पास करेंगे तो ये पोटेशियम आयन और पर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा कैथोड पर परमैग्नेट आयन जो है क्या होगा कि कैथोड पे पोटेशियम आयन और वाटर कंबाइन होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा जो कि रिलीज हो जाएगी और एनोड पे पोटेशियम मैग्नेट आयन जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और पोटेशियम पर बना लेगा ठीक है अब इसकी हम यूजेस की बात करें क्लियर यूजेस की बात करते हैं तो ये एक इट इज़ ए गुड टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव एंटी इन्फेक्टिव एंटीबैक्टेरियल एंड एंटी फंगल एजेंट इसकी जो स्पेक्ट्रम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है ये एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है ये एंटीबैक्टेरियल स्पीसीज के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है और फंगल स्पीसीज के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है इट इज़ यूज एज वन इन वन थाउजेंड सोल्यूशन इन वाटर फॉर क्लिनसिंग अल्सर एंड एप्सिस इसका जो है एक एम एल लेकर हम उसमें नौ सौ निन्यानवे एम एल डिस्टिल वाटर या प्योरीफाइड वाटर मिलाएंगे और जो भी हमारे अल्सर्स हैं या एप्सिज हैं उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इट इज़ यूज एज ए डिस इनफेक्टेंट एंड डी ऑडोरेंट इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण ये एक गुड डिस इन्फेक्टेंट और डी ऑडोरेंट एजेंट होता है इट इज़ ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिंजेंट वन टू फाइव परसेंट अल्कोहलिक सोल्यूशन और पोटेशियम पर मैगनेट यूज एज अ वेट ड्रेसिंग पोटेशियम पर मैगनेट हैज़ बीन यूज इन अटेम्प्टू इंड्यूस एबॉशंस एट होम बट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्ट लीगली इट्स वन इन फोर थाउजेंड एक्व सोल्यूशन इज यूज फॉर गार्गल्स एंड हैज माउथ वॉश और वैजेनल इरीगेशन एंड ऑल्सो इन द बाथ फॉर एग्जिमा एंड एक्यूट डरमाटोस तो ये हमारा जो है पहले पुराने टाइम्स में जब मेडिकल साइंस ने ग्रोथ नहीं की थी तो पोटेशियम पर का जो सोल्यूशन है एबॉशन को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ किया जाता था ठीक है लेकिन अब जो है नहीं किया जाता है अगर कहीं गांव वगैरह में भी होगा तो हो सकता है कि यूज़ हो रहा हो ठीक है जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो इतनी ज़्यादा ये लोग अवेयर्स ना हो इन चीज़ों की अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस ना हो तो वहाँ पर ये हो सकता है ठीक है इसका जो वन टू फाइव परसेंट हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है मतलब जो पोटेशियम पर का जो हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन में मतलब वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर होता है ठीक है तो उस केस में ये वेट ड्रेसिंग की तरह यूज़ किया जाता है आ, अगर इसका वन एम एल लेकर थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नंटी नाइन एम वो ले लें मतलब वन इज टू फोर थाउजेंड का रेशियो अगर हम बनाते हैं ठीक है कोई सोल्यूशन इसका तो गा, माउथ गार्गल थ्रोट इन्फेक्शन के लिए माउथ वाश के लिए वेजिनल इरीगेशन के लिए यानी वेजीनल इन्फेक्शन वगैरह के लिए और एक्जिमा या डर्माटोस को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ना नेक्स्ट है हमारा uh, इसका जो है पोटेशियम पर का जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट सोल्यूशन कैन बी एम्प्लॉयड एज ए स्टोमक वॉश आउट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाई मॉर्फिन ओपियम एंड स्ट्रकनिन इट डिस्ट्रॉयज एनी वेनम लाइक स्नेक वेनम लाइंग फ्री ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन पोटेशियम पर मैग्नेट वॉज यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज एक्सटेंसिवली इन द वॉटर ट्रीटमेंट नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड बोरिक एसिड में हमारा क्या है वाट इज अनोनिम इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोबोरेट हाइड्रोजन बोरेट बोरासिक एसिड ऑर्थोबोरासिक एसिड एसाइडम बोराइकम एच थ्री बी ओ थ्री और बी एस थ्री ओ थ्री और बी ओ एच होल्थराइस इसका मोलिकुलर वेट इज सिक्सटी ग्राम पर मोल फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है फिर वाइट क्रिस्टेलियन सॉलिड और ग्रेनुलर ये जो है वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है और ग्रेनुलर फॉर्म में होता है डेंसिटी इसकी 1.435 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मेल्टिंग पॉइंट इज 170.9 ग्राम डिग्री सेल्सियस सॉरी ऑर्डर इज इट इज ऑर्डरलेस ठीक बोरिक एसिड इज ऑर्डर आप लोगों ने देखा भी होगा बोरिक एसिड जो है बहुत ही वेरी फाइन क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ही स्लिपरी टच पाउडर होता है ये ठीक है टेस्टलेस ठीक है ऐसे जो टेस्ट इसका छोटिश आफ्टर चौथा साइटली सी टाइप का है और टेस्टलेस भी होते हैं सोलबिलिटी के अगर बारे में बात करें तो ये वाटर में इस सॉल्युबल है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सोलबलिटी इसकी बढ़ती जाएगी ठीक है मतलब कम टेम्परेचर पे क्वांटिटी कम डालेंगे तो डिज़ोल्व होगा और ज़्यादा टेम्परेचर पर क्वान्टिटी बढ़ाएंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा ठीक है मतलब कम टेम्परेचर पे कम क्वांटिटी डिज़ोल्व होती है और जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वो क्वांटिटी भी अगर हम बढ़ाएँ तो वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है ठीक है और जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो हमें डिज़ोल्व करने के लिए क्वांटिटी भी घटानी पड़ेगी ठीक है ग्लिसरीन में ये इजिली सोलबल हो जाता है और स्लाइटली सोलबल इन एल्कोहल तो इसमें जो है उसका सीनोनी आप ध्यान रखना बोरासिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड एसिडम बोरिकम ठीक है अगर बोरोिन में आपको ध्यान होगा तो बोरोिन में यही होता है बोरिक एसिडी होता है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है एसिडिकम एसिडम बोरिकम ठीक है अगर बोरोिन आपने देखा हो तो आप देखना ज़रूर अब जितने भी आ, अभी घर में हो आप लोग एक काम कर सकते हो जो भी आपके घर में हाउस होल्ड सैनिटाइजर है डिसइनफेक्टिंग एजेंट्स है डिटॉल सैवलोन लाइजोल <coughs> ठीक है तो आप इसका जो है कंपोजिशंस देखिए उसको नोट करिए और ये देखिए कि सब में डिफरेंसेस क्या है ठीक है नहीं अगर है घर में तो कुछ चीज़ों को आप नेट पे सर्च करिए विद फिगर फिगर के साथ उसको इमेज कंपेयर uh, करो फिगर देखो सबके ठीक है तो उससे आपको प्रैक्टिकल uh, नॉलेज भी आपकी इन्हांस होगी और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस uh, भी उसको हम बोल सकते हैं ठीक है और मार्केट में जो आपके uh, क्या अवेलेबल करेंटली चल रहा है तो उसके लिए आपके घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं या आप नेट पर भी देख सकते हैं ठीक है तो अगर बोरिक एसिड की बात करें तो ये इट इज़ ए ग्रीजी एंड अंचियस टू टच ग्रीजी टच होता है मतलब बहुत स्लिपरी ऑयली टाइप वेन हीटेड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इट लूजेज वाटर एंड इज स्लोली कॉन्वर्टेड इन टू मेटाबोरिक एसिड एच बी ओ टू टल्ट्राबोरिक एसिड एच टू बी फोर ओ सेवन इज फॉर्म्ड एट वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड बोरन ट्राई ऑक्साइड एट वन हायर टेम्परेचर It is volatile with steam, it has a pH of about 5.1. Okay. Boric acid is a weak acid, but when boric acid dissolves in the glycerin, it gives glyceroboric acid and has ionization constant of 10,000 times greater than that of the boric acid. Okay. measure of manufacturing first by decomposition of the borax. नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोरेक्स मैं बोरेक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है जिस मेथड से होती है उसको पहला उसमें जो मेथड है उसमें है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द बोरेक्स क्योंकि बोरेक्स क्या है सोडियम बोरेड तो इसमें हम क्या करते हैं जैसे हमने एक मिक्सचर ऑफ मिनरल एसिड लाइक कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर यह हमने मिक्सचर बनाया और उसके बाद हमने उस मिक्सचर को जो बोरेक्स का हॉट एक्वा सोल्यूशन होगा यानी बोरेक्स को वाटर में डिजॉल्व करके जो उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया उसको हमें हाई टेम्परेचर पर हीट करना है हॉट कर हॉट बनाना है तो उस हॉट सोल्यूशन में हमें क्या करना है कि मिनरल एसिड का मिक्सचर यानी कॉन्सन्ट्रेटेड एस टू एस फोर या एस कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल का वाटर के साथ मिक्सचर बना के उसमें ऐड करना है ठीक है इस वाइट ऐड करने के बाद तो हॉट सॉल्यूशन को हमें फिल्टर कर लेना है उस मिक्सचर को कूल करना है और क्रिस्टलाइज्ड बोरिक एसिड जो बने, जो भी क्रिस्टल्स बने हैं उसको फिल्टर आउट करना है तो बोरिक एसिड में भी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बोरेक्स सोडियम डिटाबोरेट डीकाहाइड्रेट विद ए मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन ए टू बी फोर ओ सेवन टेन एच टू ओ प्लस एच टू एच ओ फोर ठीक है तो बोरेक्स में हो गया सोडियम हाइड्रोजन सोडियम uh, बोरेट हो गया बोरेक्स सोडियम बोरेट ठीक है और उसको हम एस टू एस फोर कंसनट्रेटेड एस टू एस फोर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा बोरिक एसिड बन जाएगा ठीक है और सोडियम सल्फेट बनेगा उसी तरह एस टू एस फोर की जगह अगर हम एस सी एल भी लेते हैं तो भी हमें यही चीज़ मिलेगी बस उसमें सोडियम सल्फेट की जगह इसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा अगर हम नेचुरल सोर्सेज से बात करें तो इट कम्स आउट विद द जेट्स ऑफ द स्ट्रीम कॉल्ड सेफोनी सेफ्यूनी सोफ्योनी फ्रॉम द ग्राउंड

जहाँ पर ये नेचुरली मिलता है बोरिक एसिड तो इसके भी रॉक्स होते हैं ठीक है तो हम उसको स्टीम करेंगे स्टीम को करने के बाद क्या होगा कि जो कंडेंस्ड आएगा उसको हम आ, कंस, उसको हम उसी हीट से कंडेंस कलेक्ट कर लेंगे और उसी हीट से वो कंडेंस भी हो जाएगा ठीक है वो कूल होकर क्रिस्टलाइज बोरिक एसिड से निकल आएगा उसमें से ठीक ना नेक्स्ट है इसका थर्ड मेथड है प्रिपरेशन का जो हमारा इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बोरोन ट्राई हेराइड्स एंड डाइबोरिन तो हमारा डाइबोरेन है बी टू एस सिक्स है या बी एच थ्री होल ट्वाइस और वाटर का जो हम इंटरेक्ट कराएंगे रिएक्ट कराएंगे तो हमें बोरिक एसिड मिलेगा और सिक्स मोलिक्यूल हमें वाटर के मिलेंगे हाइड्रोजन के मिलेंगे ठीक है तो इसी तरह बोरोन ट्राई हेराइड्स वी ए थ्री यानी बी एफ थ्री हो सकता है बोरोन ट्राई फ्लोराइड बोरोन उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा के बोरिक एसिड और हेलो हेलोजन uh, हम निकाल सकते हैं हेलो हल्केन हम बना सकते हैं ठीक है यूजेस क्या है बोरिक एसिड का बोरिक एसिड इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक फॉर माइनर बंस और कट्स इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए वीक बैक्टीरियो इस्टेटिक फंगी स्टेटिक एंड एस्ट्रिंजेंट बोरिक एसिड जो है एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज करता है माइनर बंस और कट्स के लिए आप जैसा कहीं गिर गए चोट लग गई कुछ हो गया या स्किन एब्रेशन हो गया तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं ठीक है बर्न्स के केस में या कट्स के केस में ये बी बैक्टेरिया स्टडिक एजेंट भी होता है फंगी एजेंट भी होता है स्ट्रेंडेंट भी होता है ठीक है तो ये बैक्टीरिया सैडल तो नहीं होता है लेकिन इसको यूज कर सकते हैं ताकि वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ इनिवेट हो जाए रुक जाए ठीक है बॉरिक एसिड इज अप्लाइड इन ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एज एन आई वॉश Dilute boric acid can be used as a vaginal douche to treat bacterial vaginosis due to excessive alkalinity. It is also used as a mouthwash, a skin lotion for local anti-infective action. It is also used as an insecticide. The boric acid borate system can also be used as a primary buffer system. Boric acid is used in some nuclear power plants as a neutron poison. The boron in the boric acid reduces the probability of thermal फिजन by absorbing some the thermal neutrons ठीक है इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट ये तो ठीक है क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है बोरिक एसिड का हम जो है लेबोरेट एनालिटिकल लैब्स में भी यूज़ करते हैं बफर्स बनाने के लिए और कैलिब्रेशन परपज़ के लिए भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंटी एंटीमाइक्रोबल एजेंट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डाई ऑक्सीडेन सिनोनिम इज ऑक्सीडेनिल पर हाइड्रोक्सिक एसिड ठीक है फॉमूला एस टू ओ टू मोलिकुलोवेट थर्टी फोर ग्राम परमोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए नॉन प्लेनर मोलिक्यूल विद टू सिमेट्री सीमिट्री ऑल्दो द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ए सिंगल बॉन्ड द मोलिक्यूल हाइजरी हाई रोटेशनल बैरियर क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसके बावजूद भी ये इजिली रोटेट नहीं हो सकता बॉन्ड्स अगर जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वो तो बिल्कुल रोटेट नहीं हो सकते लेकिन जहाँ सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कंपाउंड्स या मोलिक्यूल्स रोटेट हो जाते हैं ट्विस्ट कर जाते हैं बट ये जो है जीव डबल सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये रोटेट नहीं हो पाता है ठीक है द मोल्यूर स्ट्रक्चर ऑफ द गैसियस एंड क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट द डिफरेंस इज एंट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज एबसेंट इन गैसिस स्टेट ये हमारा इसमें क्या है आप देखो इसमें गैसिस स्टेट में क्या है बता रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होता है ठीक है बट सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ठीक है अब इसको देख लो इसका डिफरेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डलेंथ डिफरेंट है बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट ठीक है ये आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का गैसेज और सॉलिड फेज का स्ट्रक्चर ठीक है इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है सबसे पहले फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड बेरियम पेरोक्साइड हमें लेना है तो एक्वेस्क्रीम बनाएंगे बेरियम पेरोक्साइड का उसको हम कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेगा यानी बेरियम पेरोक्साइड बी ए ओ टू ठीक है प्लस एस टू एस ओ फोर तो ये क्या बना लेगा बेरियम सल्फेट बी ए एस ओ फोर बनाएगा एंड साथ में क्या बनाएगा एच टू ओ टू तो ये बी ए यहाँ से उठा लिया बी ए एस ओ फोर यहाँ से उठा लिया और ये एच टू ए टू यहाँ से आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया पहला मेथड सेकंड मेथड क्या है ये बेरियम पेरोक्साइड जो है हमारा इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे और स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे ठीक है मतलब ऐसे बेरियम पेरोक्साइड लिया उसका हमने वाटर के साथ ट्रीट करके आइस कोल्ड पेस्ट बना लिया मतलब पेस्ट बना के कोल्ड कर लिया और हम सब इसमें स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो इस स्लोली इसलो क्या होगा ये बेरियम कार्बोनेट बना लेगा और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो अलग हो जाएगा ठीक है सेकंड हमारा मेथड है थर्ड मेथड है सॉरी फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड इज डिकम्पोज बाई एडिशन ऑफ द कोल्ड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड लिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो हमें सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा फोर्थ वन है हमारा वन ठीक वन टू थ्री थ्री फोर ठीक है ये हमने क्या किया फॉस्फोरिक एसिड फोर्थ मेथड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन में बी प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ द बेरियम पेरोक्साइड विद फॉस्फोरिक एसिड हमने बेरियम पेरोक्साइड लिया और फॉस्फोरिक एसिड स्त्री पीओ के साथ रिएक्ट करा देंगे ट्रीट करेंगे रिएक्शन कराएंगे तो barium, आ, बेरियम फॉस्फेड मिलेगा ठीक है बेरियम फॉस्फेड मिल जाएगा ठीक है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा मोस्ट ऑफ़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नाउ ड मैनुफैक्चर्ड बाई एलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फिफ्टी परसेंट आइस कोल्ड सल्फेरिक एसिड ओके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये जो है क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है अगर आप देखेंगे तो ये क्लियर वाटर की तरह कलरलेस लिक्विड है ऑर्डरलेस है टेस्ट इसका बेटर है स्मेल भी इसमें ऑर्डर भी बहुत ही एसटेंजेंट ऑर्डर आता है इसका ठीक है डेंसिटी 1.145 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 200 डिग्री सेल्सियस ऑफ प्योर एस टू टू पॉइंट इज वन डिग्री सेल्सियस सॉल्युबिलिटी इन वाटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर में इजिली मिसिबल होता है मिस हो जाता है ठीक है एसिडिटी यानी एसोसिएशन कॉन्स्टेंट है 11.75 स्लाइटली एसटिक क्या हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या है डिकम्पोजिशन की बात करें तो एस टू ओ टू का डिकम्पोजिशन अगर होगा अगर हम इसको वन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो इसका वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा धीरे धीरे ठीक है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ में क्या है तो लेड सल्फाइड है अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब ऐसे लेड ऑक्साइड लेड सल्फाइड इंट्रैक्ट करेगा तो ये लेड सल्फाइड बन जाएगा पी बी प्लस वाटर बन जाएगा तो या पोटेशियम आयोडाइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंट्रैक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन रिलीज़ हो जाएगी ठीक है एस डी कि नेचर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्लाइटली एस डी के नेचर दो इन डायलूट सोल्यूशन इट इज़ न्यूट्रल टू वर्थ लिटमस वैसे तो ये एस डी स्लाइटली एस डी होता है बट डायल्यूट सोल्यूशन वाटर इसमें ऐड कर देंगे डायलूशन बढ़ाएंगे इसका तो ये लिटमस टेस्ट न्यूट्रल देगा ठीक है जैसे अलकलाई में क्या है सोडियम पेरोक्साइड बना लेगा और वाटर बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर से इंटरेक्ट करके बेरियम पेरोक्साइड बना लेगा और सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटरेक्ट करेगा तो सोडियम पेरोक्साइड का मतलब जो हमने इसकी मेथोड प्रिपरेशन की थी फर्स्ट ये रिवर्स हो जाएगा ठीक है आप इसको यही भी कह सकते हैं कि इसका मेथरऑफ प्रिपरेशन करने के लिए इधर जो हमारी एल की रिएक्शन थी उसको आर में कर दो और आर एच एस को एल में कर दो ठीक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एस ए कैसे करेंगे यह हमारे सिलेबस में है उसको देखिए एसि ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिपेंड्स ऑन द रिडॉक्स टाइट्रेशन इन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एट ए रूम टेम्परेचर पोटेशियम सल्फेट इट सेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर द एंड पॉइंट इज अपियर्ड एज ए परमानेंट पिंक कलर तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो ऐसे है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन पे बेस्ड है इसमें क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम जो है पोटेशियम पर मैगनेट का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाएंगे जैसे जीरो पॉइंट वन नॉर्मल का सॉल्यूशन बना लिया अब उसको हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में एट रूम टेम्परेचर यानी ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे हम उसको टाइट्रेट करेंगे ठीक है और पोटेशियम सल्फेट जो बनेगा उसमें खुद जो है इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा तो एंड पॉइंट क्या आएगा इसमें परमानेंट पिंक कलर आएगा अगर ये परमानेंट पिंक कलर आ गया तो मतलब हमारा जो है उसमें एस है प्रोसीजर क्या है इसका 10 ml H2O2 लेना है उसको हम 10 ml एल वाटर में ऐड करेंगे आ उसके बाद हम उसमें 10 ml 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे एंड देन करेंगे 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल पोटेशियम पर मैगनेट सोल्यूशन अंटिल फेंट पिंक कलर जो है ऑपरेंट हो जाएगा हमारा ठीक है ईच एम एल ऑफ द जीरो पॉइंट वन नॉर्मल के ए ओ फोर जॉल टू जीरो पॉइंट डबल जीरो वन सेवन जीरो वन ग्राम ऑफ एच टू 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 के एम एन ओ फोर प्लस थ्री एस टू एसो फोर प्लस फाइव एच टू ओ टू के टू सो फोर प्लस टू एम एन एसो फोर प्लस एट टू ओ प्लस फाइव ओ टू यूज किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तो देखो वैसे तो बहुत इंडस्ट्रियल यूज भी है मेडिकल यूज भी है कॉस्मेटिक अप्लीकेशनस भी हैं तो मेडिकल यूज़ की बात करें तो ये एंटीसेप्टिक की तरफ बिहेव करता है इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक सेप्टिक जर्मिसाइडल एंटी ये स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल है ये जो हमारे ईयर्स में भी अगर जो पार्टिकल्स होते हैं तो एस टू ओ टू का जो भीपर्स होते हैं वेपर्ड फॉर्म जो होता है वेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो रूम पूरे एक रूम को स्टरलाइज करने के लिए भी उसको एटोमिक प्रेसराइज एटोमाइजेशन फॉर्म में उसको स्प्रे कर देंगे तो ये हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है वो स्टर्टिलाइज हो जाएगा या डिसइनफेक्ट हो जाएगा ठीक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन ऑलसो भी यूज फॉर द स्टर्लाइजेशन ऑफ द वेरियस सर्फेसिस इंक्लूडिंग सर्जिकल टूल्स एंड मे बी डिप्लॉयड एज ए वेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर रूम स्टेलाइजेशन एस टू ओ टू डेमोस्ट्रेट ब्रोड स्पेक्ट्रोम एफिकी अगेंस्ट वायरस बैक्टेरिया यूज एंड स्पोर्ट्स इन जनरल ग्रेटर एक्टिविटी इज शीन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव दैन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसमें जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो स्पीसीज हैं उसके अगेंस्ट में ज्यादा इफेक्टिव है इफ़ कम्पेयर विद द ग्राम निगेटिव ऑर्गेनि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोजन पेरॉक्साइड वाज यूज फॉर डिस इन्फेक्टिंग वोन्स इट्स ए सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट सोल्यूशन इज यूज एज ए डीओडोरेंट गार्गल एंड माउथवाश ना कॉस्मेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो डाइल्यूटेड फॉर्म जो होता है उसका एस टूट होगा वन पॉइंट नाइन टू टूल्व परसेंट इसके अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे तो हेयर्स को ब्लीच करने के काम आता है ठीक आपने देखा होगा डिफरेंट डाइज में एस टू होता है कलर करने के लिए ठीक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज फॉर द टूथ वाइटनिंग दांतों को वाइट करने के लिए इट कैन बी फाउंड इन मोस्ट वाइटनिंग टूथपेस्ट जो भी टिथ सरफेस को वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें ये एच टू टू के कंटेंट होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मे बी यूज टू ट्रीट एक जो स्किन इन्फेक्शन ये ए या एक हो जाता है उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द पल्प एंड पेपर ब्लीचिंग मेजर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज द मैनुफैक्चर ऑफ द सोडियम पर कार्बोनेट एंड सोडियम बोरेट विच आर यूज एज माइल्ड ब्लीचेज इन द लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स लॉन्ड्री मतलब जहां कपड़ों की धुलाई होती है ट्रीटमेंट होता है इट इज स्टोर्ड इन ए कूल एंड डार्क प्लेस एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर तो यह हमारा रहा बोरिक एसिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉरी ना नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे क्लोरिनेटेड लाइम एंड सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन प्रिपरेशन एंड इट्स आयोडीन उड इट्स प्रिपरेशंस तो अगर आपको वीडियो कुछ सही लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग